खाजूवाला क्षेत्र की बीएलडी नहर पर आए 400 फीट के कटाव का कार्य अब अंतिम चरण में किसान कर रहे हैं 3 दिन अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग। पुगल ब्रांच की 97 आरडी से निकलने वाली बीएलडी नहर की 102 आरडी पर आए 400 फीट के कटाव को दुरुस्त करने का कार्य अब अंतिम चरण में जारी है। पिछले 8 दिनों से इस नहर को दुरुस्त करने व लाइनिंग का कार्य लगातार जारी है। 1 जुलाई की रात को आए तेज तूफान और बारिश के चलते बीएलडी नहर की 102 आरडी पर लगभग 400 फीट का कटाव आ गया था, जिसके चलते 3 दिन पानी की बारी का नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा। वहीं सिंचाई विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नहर किनारे खड़े पेड़ तेज आंधी आने से अक्सर पेड़ नहर में गिरते हैं, जिसकी डाफ लगने से नहर टूट जाती है। हालांकि यही बीएलडी नहर 1 महीने में 2 बार टूट चुकी है। इससे पूर्व 11 मई की रात्रि में तेज आए तूफान के चलते बीएलडी नहर की 37 आरडी पर लगभग 500 फीट का कटाव आया था। उसी दौरान भी किसानों को 1 सप्ताह की बारी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। वहीं इस बार भी 3 दिन बारी का नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। इस नहर के किसान 3 दिन अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग भी सिंचाई अधिकारियों से कर रहे हैं। Yeah.